चलो आप आओ गीता बैठो। हाँ ये माउस पे हाथ रखिए, पहले माउस से बताएंगे। यहाँ लाइए इस माउस को, इस जगह ऊपर। ये एरो है ना जो तीर दिख रहा है, ये ऊपर आ गया। यहाँ इस क्रॉस का निशान दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। बिल्कुल क्रॉस के ऊपर आना चाहिए माउस। हाँ अब ये क्लिक करो, थोड़ा और बीच में साइड। अब यहाँ पर और ऊपर लाइए, ये क्रॉस दिख रहा है, यहाँ क्लिक करिए, राइट क्लिक। वो बटन है ना, ये वाला बटन, इसके दो बटन होते हैं। जैसे ये वाला दबाएंगे, देखो आप, एक मिनट। ये यहाँ पे लाने के बाद, बिल्कुल इसको यहाँ सेंटर में लाने के बाद ये बटन दबाना है आपको, तो ये बंद हो जाता है। ये वाला एक बटन होता है ना, ये बंद करने का है, ठीक है ना? समझ में आया क्या? अब इसको बंद करना है हमारे को, फोल्डर को। तो फिर ऊपर आइए, माउस को ऐसे आए, ऊपर लाना है, माउस का तीर देखते रहना है। ऊपर आओ, ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और इस लाइन पे आ जाइए। हाँ इस पे क्रॉस पे आओ, इस क्रॉस पे। बाकी क्लोज यहां से भी कर सकते हैं, यहां से क्रॉस से भी कर सकते हैं। क्रॉस करो, हाँ इसको दबाइए, बंद हो गया। वो जो हमने ओपन किया बंद हो गया। अब इसको शट डाउन कैसे करते हैं? बंद करना हो अगर हमको प्रॉपर वे से, एक तो है सीधा बटन दबाया तो उससे कंप्यूटर खराब होता है। बंद करने का सही तरीका ये दिख रहा है, एक वहां जाइए सेटिंग पे, ये राइट साइड लाइए, ऊपर आ जाइए। हाँ वो गियर का जो आइकन दिख रहा है वहां, ये ऊपर लाओ, ऊपर करो, उठा के दोबारा रख लो, उठा के नीचे से ऐसे ऊपर कर लो, ऐसे ऊपर। ये इस पे क्लिक करो, वो दूसरी साइड का। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शट डाउन क्या लिखा है, इस पे अगर एरो ला करके हम क्लिक कर देंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर वे से बंद हो जाएगा।